नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। फारबिसगंज में सदर रोड स्थित पीएम ज्वेलर्स में वाणिज्य विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची, जहां जीएसटी चोरी को लेकर के छापेमारी की गई। एक टीम का गठन कर इस ज्वेलरी शॉप में छापेमारी की गई। इसे लेकर के जीएसटी अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हेडक्वार्टर के आदेश के तहत जो है सेपरेशन ऑफ टैक्स की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट से आदेश हुआ था कि यहाँ जो है पीएन मॉल ज्वेलर्स में इंस्पेक्शन किया जाए। वो इंस्पेक्शन संयुक्त आयुक्त विजय कुमार के निर्देश पर और एक टीम गठित हुई, जिस टीम में राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में अश्विनी कुमार प्रदीप, राहुल कुमार सहायक आयुक्त एवं अन्य कर्मी के द्वारा छापेमारी चल रही है और अभी तक जो है निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, क्योंकि अभी तक चल ही रही है। आगे जो है आने के बाद जो है देखा जाएगा कि इसमें सेपरेशन ऑफ टैक्स हुआ है कि नहीं किया गया है इसके द्वारा। तो सुना आपने किस तरीके से जीएसटी अधिकारी साफ तौर पर यह बतलाते नजर आ रहे हैं कि एक वाणिज्य विभाग की टीम के तरफ से एक टीम का गठन किया गया और फिर जीएसटी चोरी को लेकर के इस पूरे मामले पर जांच की गई। दरअसल आपको बतला दें कि दीपावली के वक्त भारत नेपाल सीमा पर चांदी बरामद किया गया था और आशंका सोना होने की बताई जा रही थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष के द्वारा पत्र भी लिखा गया था और जिसके बाद यह पूरा मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया और सुर्खियों में आ गया, जिसके बाद से ही इस पूरे मामले पर जांच चल रही थी और अब इस मामले को जीएसटी चोरी से जोड़ कर देखा जा रहा है और इसी क्रम में पीएम ज्वेलर्स में जीएसटी चोरी को लेकर के जांच की गई है, छापेमारी की गई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।